नमक एक बड़ी चम्मच, लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच, हल्दी आधी छोटी चम्मच, काला नमक एक चौथाई छोटी चम्मच, लाल राई का पाउडर एक बड़ी चम्मच, पीली राई का पाउडर एक बड़ी चम्मच, एक चुटकी से थोड़ी ज़्यादा कलौंजी, आधी चम्मच मेथी दाना पिसा हुआ, एक चम्मच सौंफ पिसी हुई, एक चुटकी हींग और एक नींबू का रस, और ये 100 ग्राम हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने धोकर कपड़े से पोंछ लिया है, और इनको ऐसे चीरा लगाना है। ये देखिए, ये देखिए सारी मिर्च ऐसे करके तैयार कर लीजिए। उसके बाद एक प्लेट में इसमें सभी मसाले, सौंफ, कलौंजी, मिर्च पाउडर, हींग, नमक, काला नमक, पीली राई, लाल राई, मेथी का दाना पिसा हुआ, हल्दी पाउडर और नींबू का रस मिक्स कीजिए। मसाले को अच्छे तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं पर नमक की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर खट्टापन नहीं आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मसाला अपने हाथ की सहायता से ये मिर्च में भर दीजिए। मसाला अच्छी तरह से भरना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सारी मिर्च भरकर रख लीजिए। इसे भरने के बाद इसे आप छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और एक जार में मसाले के साथ भर दीजिए। बचा हुआ मसाला भी मिर्ची में डाल दीजिए। मिर्च बनकर तैयार है, आपकी 2 घंटे में खाने लायक हो जाएगी। इंस्टेंट स्वादिष्ट मिर्च का अचार बनकर के तैयार है। आप इसे पूरी, पराठे, चावल, दाल किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रखकर 1 महीने तक उपयोग में ला सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।